हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे ठीक ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा राधे राधे तो अभी शाम का टाइम है यानी संध्या का टाइम हो गया है यानी जोत जगाने का टाइम हो गया है तो सबसे पहले ये जो जोत है मैं धो के ले आऊंगी तो सुबह इसमें जोत जगाई थी तो शाम के समय जब भी मैं जोत जगाती हूँ तो इसको के ही जगाती हूँ तो वैसे तो और मेरे पास दो तीन जोते रखी हुई हैं पर लेकिन फिर मैंने इतनी निकाली नहीं हुई बस ये एक कोई मैं जैसे सुबह जगाती हूँ तो शाम के समय भी धो के फिर दोबारा से मैं इसमें जगा लेती हूँ तो ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है तो मेरे पास किसी का कॉमेंट आया था अभी उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा तो उन्होंने कहा था कि दीदी आप अपनी इवनिंग पूजा रूटीन हमारे साथ शेयर करें कि शाम के समय आप कैसे पूजा करते हो और कौन कौन से पाठ करते हो तो इस वीडियो में सभी शेयर करूंगी कि मैं शाम के समय जो है पूजा कैसे करती हूँ और क्या पाठ करती हूँ क्या नहीं करती तो सभी शेयर करूंगी तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो सबसे पहले ये मैं ज्योत के ले आती हूँ और ये देखिए बाहर का जो मौसम है तो संध्या टाइम है ना तो दिन है ना रात है तो ये होता है गोधुली वेला तो शाम की जो ज्योत है वो इस समय ही जगनी चाहिए क्योंकि इस समय जो है हमारे कृष्ण कन्हैया लाल गाय चरा के आते हैं तो गौ वेला तभी का आ जाता है इस समय को और इस समय भी पूजा पाठ करने का जोत जगाने का काफी महत्व है तो सुबह अगर हमें समय नहीं मिल पाता पूजा पाठ करने का तो इस समय जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उसका भी उतना ही फल हमें प्राप्त होता है जितना हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करते हैं तो वैसे तो ज्योत हमारे घर में दोनों टाइम ही जगनी चाहिए सुबह भी और शाम भी पर लेकिन कई लोग होते हैं जैसे ऑफिस वाले होते हैं उनको समय नहीं मिल पाता जैसे सुबह जोत जगाने का या पूजा पाठ करने का या फिर जैसे कॉलेज वाले बच्चे भी होते हैं तो उनका मन करता है कि हम भी पूजा पाठ करें या ग्रंथ पढ़ें। तो अगर सुबह समय ना भी मिल पाए तो कोई बात नहीं आप इस समय करें पूजा पाठ उसका भी उतना ही महत्व है जितना हम जब सुबह पूजा पाठ करते हैं और शाम के समय जैसे तुलसी माता में जो है जोत भी हमें ज़रूर जगानी चाहिए तो सुबह चाहे जगाएं ना जगाएं वैसे मैं पहले सुबह भी जगाती थी पर लेकिन अब मैं क्या करती हूँ जोत जगाती तो हूँ पर लेकिन अंदर ही रख देती हूँ गोपाल जी के सामने और शाम के समय जो है मैं तुलसी माता में जोत जो है ज़रूर जगाती हूँ तो मैंने एक जोत तैयार कर लिया तुलसी माता की और एक मंदिर में जगेगी तो अच्छे से मैंने जो है बर्तन साफ करके और जोत में दोनों जोत में बत्ती जो है मैंने गोल वाली लगाई है तो शाम के समय जो है मैं गोल वाली बत्ती जगाती हूँ तो बत्तियों का भी काफी महत्व होता है कि लंबी बाती की हम जब जोत जगाते हैं या फिर गोल बाती की जगाते हैं तो इनका भी जो है अलग अलग महत्व होता है तो सुबह के समय मैं मंदिर में लंबी बत्ती की जोत जगाती हूँ और शाम के समय गोल बत्ती की तो जोत मैंने जगा लिया है तो शाम के समय जो है मैं नहाती नहीं हूँ सुबह के समय एक ही बार नहाती हूँ और शाम के समय मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि मैं नहा के ही जोत जगाती हूँ ऐसे झूठ नहीं बोलूंगी तो शाम के समय ये होता है अगर मैं वॉशरूम दिन में गई हूँ कभी वैसे तो सुबह ही जाती हूँ पर अगर गई हूँ तो फिर मैं नहा के जोत जगाती हूँ और अगर नहीं तो फिर ऐसे ही मैं जो है मुंह हाथ धो के और अच्छे से फ्रेश होके जो है मैं जोत जगा लेती हूँ तो वैसे तो हमें सुबह ही फ्रेश होना चाहिए लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हमारा पेट साफ नहीं होता तो हमें दिन में जाना पड़ता है तो ये भी एक जरूरी बात है ये कोई वैसी बात नहीं है क्योंकि जब हम दिन में वॉशरूम जाते हैं तो शाम के समय भी हमें दिया बाती करनी होती है तो हमें फिर नहा के ही करनी चाहिए तो तुलसी महारानी के सामने भी मैंने जोत जगा दी है और अब है अगला दिन तो ये सुबह का टाइम है और अब मैं कराऊंगी गोपाल जी को स्नान तो शाम के समय की जो मेरी रूटीन होती है पूजा पाठ की तो जैसे मैं जैसे भगवत गीता पढ़ती हूँ या जो भी पाठ मंत्र वगैरह पढ़ती हूँ वो सुबह के समय ही पढ़ती हूँ लेकिन अगर कभी जैसे समय नहीं मिल पाता मुझे कभी लेट हो जाती हूँ मैं तो भगवत गीता जो है मैं शाम के समय भी पढ़ लेती हूँ और भगवत गीता जैसे गीता प्रेस वालों की होती है तो वो मैं पाठ के रूप में पढ़ती हूँ मंदिर में बैठ के और वैसे जो शीला प्रभुपात जी की भगवत गीता है तो वो मैं किसी समय भी पढ़ लेती हूँ तो जब दिन में टाइम मिलता है तब भी पढ़ लेती हूँ या फिर रात के समय भी मैं पढ़ लेती हूँ और शाम के समय मैं कोई ज़्यादा मंत्र जाप नहीं करती बस यह है जब जो जगाती हूँ तो सर्वप्रथम गणपति जी को तो याद किया ही जाता है तो उनका एक मंत्र बोल लेती हूँ और श्री हरी का बोल लेती हूँ या बाबा भोलेनाथ जी का बोल लेती हूँ और उसके बाद अगर मुझे भगवत गीता पढ़नी होती है तो फिर मैं पढ़ लेती हूँ नहीं तो मैं ऐसे ही जोत जगाती हूँ बस तुलसी महारानी की और मंदिर में जोत जगा दी और जो तुलसी महारानी के सामने मैं जोत जगाती हूँ वो ज्योत जो है मैं अपने दूसरे कमरे में भी दिखा देती हूँ या फिर जैसे रसोई में भी लेके जाती हूँ क्योंकि रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है तो माता अन्नपूर्णा का नाम लेके मैं जैसे जोत जो है रसोई में भी दिखाती हूँ बाबा भोलेनाथ जी का नाम ले लेती हूँ श्री हरि का माता लक्ष्मी का फिर मैं उस ज्योत को तुलसी महारानी को दिखाकर उनकी आरती उतारकर और फिर मैं उनके सामने रख देती हूँ और फिर ये मंत्र बोल लेती हूँ महाप्रसाद जननी अखंड सुबह के वर्थनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वयं नमोस्तुते तो जब सुबह भी मैं जल चढ़ाती हूँ तुलसी महारानी में तब भी ये मंत्र बोल लेती हूँ और शाम के समय भी बोल लेती हूँ तो बस ये सिंपल सी साधारण सी रूटीन रहती है मेरी शाम के समय की तो यहाँ पर हमारे बाल गोपाल का स्नान भी हो गया श्रृंगार भी हो गया और इनको मैंने भोग भी लगा दिया तो आज मैंने गोपाल जी के लिए जो आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी और साथ में रोटी तो बच्चों को टिफिन में भी देनी होती है तो इसलिए सुबह के टाइम मैंने यही बना ली थी आज जल्दी जल्दी और अभी भी मैं जो है गोपाल जी के लिए दाल चावल बना रही हूँ क्योंकि आज है द्वादशी तो क्योंकि हस्बैंड एकादशी का व्रत रखते हैं तो चावल खा के जैसे व्रत खोला जाता है एकादशी का तो अब सुबह का टाइम ही है तो मैं दाल और चावल बना लूँगी तो यही गोपाल जी को भोग भी लग जाएगा और हस्बैंड व्रत भी खोल लेंगे और हमारे जो दोपहर का लंच भी तैयार हो जाएगा तो वैसे तो सब्जी बनाई थी रोटी भी बनाई है पर लेकिन आज जैसे द्वादशी है मैंने बताया आपको तो फिर मैंने दाल चावल भी बना लिए साथ के साथ और दाल जो है मैं साबुत मूंग की और चने की बना रही हूँ तो वैसे उड़द चने की दाल बनती है लेकिन मैंने आज साबुत मूंग और चने की दाल बनाने की सोची है तो बस अब जैसे कि सुबह का टाइम है तो थोड़ा जल्दी जल्दी वाला ही काम कर रही हूँ मैं यहाँ पर तो दाल में ही मैंने टमाटर कट करके भी डाल दिए हैं और हरी मिर्च भी क्योंकि लहसन प्याज हम डालते नहीं हैं खाने में और हमारे गोपाल जी को जैसे कि भोग लगता है तो बिना लहसन प्याज का ही लगता है तो मैंने नमक भी डाल दिया है हल्दी भी डाल दिया और अब मैं इसको रख दूंगी गैस पर और ये जो सब्जी है इसको मैं निकाल लूँगी क्योंकि इस कढ़ाई में मुझे चावल बनाने हैं गोपाल जी के लिए तो वैसे तो दो तीन कढ़ाई मेरे पास और भी रखी हुई है दो तीन से ज़्यादा ही है वैसे पर लेकिन मैं इसमें इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इसमें जो है लहसन प्याज का मैं तड़का नहीं लगाती कभी भी गोपाल जी के लिए जब बनाती हूँ जैसे चावल बनाने हो या बिना लसन प्याज की सब्जी बनानी हो तो मैं इस कढ़ाई में ही बनाती हूँ तो वो वाली जो कढ़ाइया उसमें कभी मैगी बनती है या बच्चे भी कभी कोई प्याज वाली चीज बनाते हैं तो उसमें बना लेते हैं वैसे मैं गोपाल जी के लिए एक और कढ़ाई लेके आई हूँ स्टील की जिसमें मैंने धनिया पंजीरी बनाई थी देखी होगी आपने तो वो वाली भी रखी हुई है उसमें भी मैंने बच्चों को मना कराया है कि इसमें कोई भी लहसन प्याज वाली चीज़ नहीं बनानी तो आज जैसे कि द्वादशी है तो आज तो कपड़े धुलेंगे ही धुलेंगे तो कल मैंने धोए नहीं थे और कल बारिश भी काफ़ी हो रही थी तो आज जो है कपड़ों का भंडार हो रखा है तो फटाफट से जो है साथ के साथ कपड़े भी धो लिए जाएँ तो इस समय जो है मेरी काफ़ी भागम भाग वाली जो है रूटीन हो जाती है क्योंकि अगर जब कपड़े धोने हो तो जैसे कपड़े भी धुल रहे होते हैं तो वो भी साथ के साथ जो है डालने होते हैं नितारने होते हैं या फिर रसोई में भी अगर कुछ बनाना हो तो वो भी चल रहा होता है या बर्तन धोने होते हैं या फिर मैं कभी जैसे अंदर आ जाती हूँ तो जो भी सामान समेटना होता है तो वो भी मैं साथ के साथ समेटती रहती हूँ तो अगर आ, ये नहीं है कि मशीन में कपड़े धुल रहे हैं तो फिर हम बैठ जाएं क्योंकि मशीन तो चलो घूमते रहेंगे कपड़े साथ के साथ जो है मैं और भी काम करती रहती हूँ तो जैसे कि अब रसोई में मैंने दाल चावल बनने के लिए रख दिए हैं गोपाल जी के लिए वो भी बन रहे हैं मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं और अब मैं अंदर की जो है साफ सफाई भी कर रही हूँ तो इस समय तो क्या जिस टाइम जब सुबह मैं उठती हूँ तब से ही भागम भाग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बच्चों का टिफिन वगैरह भी पैक करना होता है रोटी सब्जी भी बनानी होती है पूजा पाठ भी करनी होती है और कन्नू को स्कूल भी छोड़ के आना होता है तो बच्चों वाले घर में जो है काम कभी खत्म नहीं होते सारा दिन चलते ही रहते हैं और आप समझ ही सकते हो कि सुबह के समय जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह तो काफी जो चीजें इधर उधर फैला भी जाते हैं तो वो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको संभालने में काफी टाइम लग जाता है इतना बड़े काम को नहीं लगता तो बस यहाँ पर मैंने बेड की चादर भी चेंज कर दी है तो बेड की चादर जो है मैं एक दिन छोड़ के चेंज कर ही देती हूँ क्योंकि कपड़े तो धुलते ही रहते हैं तो फिर मैं बेड की चादर भी साथ के साथ धोती रहती हूँ तो बेड की चादर चेंज करने की भी रूटीन होती है जैसे कोई एक दिन छोड़ के चेंज करता है कोई रोज भी करता है या कोई फिर एक हफ्ते में भी करता है तो मेरी शुरू से यही रूटीन रही है कि मैं एक दिन छोड़ के ही बैठ के चादर जो है चेंज कर देती हूँ या फिर दो दिन भी हो जाते हैं वो भी कभी कभी होते हैं नहीं तो मैं एक दिन छोड़ के ही जो है धो देती हूँ चादर ज़्यादा दिन नहीं बिछा के रखती तो बस अब मैं आ गई हूँ बाहर तो रोटी सब्जी मैंने बना ली है रोटी सब्जी कह रही हूँ सब्जी तो मैंने सुबह बनाई थी और अभी मैंने दाल रखी थी तो दाल को मैंने तड़का भी लगा लिया और चावल भी बन गए और रोटी भी बना दी तो गोपाल जी को भोग भी लगा दिया है और अब मैं आ गई हूँ बाहर तो दो तीन दिन पहले ये मैंने कनक भी धोई थी तो कल तो जैसे कि बारिश थी तो कल तो सूख नहीं पाई है तो फिर मैंने आज इसको डाल दिया और आज जो धूप है काफी तेज तेज वाली है और गोपाल जी को जो है भोग भी लगा दिया तो आज गोपाल जी का जो है डबल नाश्ता हो गया है तो बस अब साढ़े बारह का टाइम हो गया है और अब मैं जाऊंगी कन्नू को स्कूल लेने के लिए तो कन्नू को स्कूल से मैं लेके आ गई हूँ और धूप तो आप देख ही रहे हो काफी तेज हो रखी है तो जब बारिश होती है उसके बाद जब धूप निकलती है तो एकदम कड़क वाली धूप निकलती है और गर्मी तो आज काफ़ी हो रखी है तो बारिश तो काफ़ी हुई थी कल दो दिन से बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर लेकिन फिर भी गर्मी उतने की उतनी है तो ये कपड़े मैं उतार लूँगी क्योंकि धूप तेज है तो इनका जो है कलर फेड ना हो जाए तो ये जो है जब सूख जाते हैं तो मैं साथ के साथ ही जो है कपड़े उतार लेती हूँ क्योंकि जब तेज वाली धूप हो तो कपड़े उतार लेने चाहिए क्योंकि फिर इनके जो जैसे कलर वाले जो कपड़े होते हैं उनके फिर कलर जो है फेड हो जाते हैं तो ये तोलिए भी अच्छे से सूख गया इनको भी मैं उतार लेती हूँ और आज मैंने मंदिर का आसन भी धोया था तो ये भी थोड़ा सा अभी गीला है तो इसको मैं रस्सी पे डाल देती हूँ तो मंदिर का आसन जो है वो भी मैं दो चार दिन में धोती रहती हूँ क्योंकि वैसे तो चाहे गंदा नहीं होता पर लेकिन डस्ट तो इसमें हो ही जाती है तो तोलिए जो है मैं इधर छाया की साइड डाल देती हूँ क्योंकि धूप जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी तेज हो रखी है और ये जो गेहूँ है इसको भी उलट पलट करके अच्छे से फैला दिया जाए ताकि अच्छे से इसको जो है धूप लग जाए तो इसको सूखने में जो है दो चार दिन तो लग ही जाते हैं और अब मैं आ गई हूँ छत पर तो छत पर भी मैंने कपड़े डाले थे जो टॉप वगैरह होते हैं वो मैं नीचे ही रस्सी पे डालती हूँ और बाकी जो जैसे पैंटें वगैरह होती हैं वो मैं छत पर डालती हूँ तो क्योंकि एक साथ ही फिर सारे कपड़े सूख जाते हैं अगर नीचे ही मैं सारे कपड़े डाल दूँगी इकट्ठे कर करके तो वो फिर सूखने में टाइम लगता है तो फिर ऐसे जल्दी काम होता नहीं है तो मैं ऐसे ही फैला देती हूँ और इससे ये हो जाता है कि मेरे भी ऊपर नीचे के चक्कर लग जाते हैं तो स्पेशल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है वैसे ही हो जाती है तो बस अब नीचे जाके मैं गोपाल जी को लगाऊंगी दूध का भोग क्योंकि खाने का भोग तो मैंने सुबह दो बारी लगा दिया गोपाल जी को और अब दूध ही दे दूँगी और उसके बाद अब मैं करूँगी थोड़ी देर आराम या वीडियो एडिट करनी होगी या वीडियो वॉइस करनी होगी तो वो करूँगी तो बस यहीं तक ही आज की ये वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट